वेलकम टू द सेशन, नाउ स्टार्ट द शॉर्ट नोट्स सेशन। नाउ यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट माइल्स पे परफॉर्म किया गया है। एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन लेते हैं, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लेते हैं। सबसे पहले जो टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे जो पहला पॉइंट आता है ए आता है, ए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके बियॉन्ड में होता है इलास्टिक लिमिट, जो कि ए के जस्ट बियॉन्ड में, जस्ट बगल में होता है। सी आपका जो लोअर यील्ड लिमिट है, बी आपका अपर यील्ड लिमिट है, डी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ई आपका ब्रेकिंग पॉइंट है। ये जो अपर यील्ड लिमिट होता है वो 0.125% ऑफ स्ट्रेन पे अकर करता है, और जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है 20-25% स्ट्रेन पे ब्रेकिंग पॉइंट अकर करता है। परमानेंट सेट, तो परमानेंट सेट क्या होता है आपका, अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बियॉन्ड अगर किसी भी मटेरियल को स्ट्रेन करते हैं तो वो स्ट्रेन परमानेंटली रिटेन कर जाता है, तो वही उसी स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रीप। तो क्रीप क्या होता है, एक टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है जो एलिवेटेड टेम्परेचर पे होता है और कांस्टेंट स्ट्रेस पे एलिवेटेड टेम्परेचर पे जो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है, दैट इज़ क्रीप। फैक्टर्स जो होते हैं वो टेम्परेचर, टाइम और मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग, इस सारे फैक्टर्स पे क्रीप डिपेंड करते हैं। एक टेम्परेचर होता है जो कि होमोलोगस टेम्परेचर होता है, जो किसी भी मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट के जस्ट हाफ होता है। इस टेम्परेचर के आसपास, इस टेम्परेचर को अगर कोई भी मेटल एक्सीड करता है तो उस केस में जो क्रीप होता है काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। काफ़ी क्रीप जो काफ़ी डेंजरस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए होमोलोगस टेम्परेचर को रीच नहीं करना चाहिए कोई भी मटेरियल, नहीं तो क्रीप उस केस में डेंजरस हो जाता है। प्राइमरी क्रीप, क्रीप को तो तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। प्राइमरी क्रीप स्ट्रेन, सेकेंडरी क्रीप स्ट्रेन एंड टर्शियरी क्रीप स्ट्रेन। प्राइमरी क्रीप स्ट्रेन रैपिडली इंक्रीज करता है, सेकेंडरी क्रीप स्ट्रेन डिक्रीज करता है और बाद में कॉन्स्टेंट हो जाता है। टर्शियरी क्रीप स्ट्रेन जो होता है इंक्रीज करता है, कब तक, जब तक कि फ्रैक्चर नहीं होता है बॉडी का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यील्ड प्लेटू। तो यील्ड प्लेटू क्या होता है, जो कांस्टेंट स्ट्रेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का यील्डिंग होता है, उससे यील्ड प्लेटू बनता है। टेंसाइल स्टिफनेस या एक्सेल स्टिफनेस क्या होता है, ए बाई एल को टेंसाइल स्टिफनेस या एक्सेल स्टिफनेस कहते हैं। एक्सेल रिगिडिटी, ए को एक्सेल रिगिडिटी बोलते हैं। एक्सेल फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है, एल बाई ए होता है। सिमिलरली सियर रिगिडिटी, फ्लेक्सर रिगिडिटी और टॉर्सनल रिगिडिटी होता है। तो AZ ये हो जाएगा सीयर रिगिडिटी, AZ बाई L सीयर स्टिफनेस हो जाएगा, और L बाई AZ ये सीयर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। ये रिगिडिटी, ये स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, हेयर रिगिडिटी, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को फोर्स से अगर स्ट्रेन करेंगे तो इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन और फोर्स डायग्राम के जो एरिया होता है उसके इक्वल हो जाता है। इसका एरिया अगर निकालेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी आपका निकल करके आ जाएगा। इसका फॉर्मूला का बात कीजिएगा तो आप स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है आपका हाफ सिग्मा स्क्वायर इंटू वॉल्यूम होता है। अगर स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का बात करें तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई। सिग्मा और स्ट्रेन के केस में जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो एरिया होता है वो आपका स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी देता है। तो ये देख लीजिए, स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, तो इसका जो एरिया निकल के आ जाएगा वो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी आपको देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टफनेस। लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व का जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो एरिया होता है, ठीक है, अप टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के पहले, तो ये जो एरिया हो जाएगा आपका टफनेस देगा लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन। अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व निकालेंगे अप टू फ्रैक्चर तो जो इसका एरिया हो जाएगा वो क्या देगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस जो देगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, ये आपका टफनेस को डिफाइन करता है। टफनेस जो इम्पैक्ट लोडिंग से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिलेंस।
रेजिलेंस क्या होता है, तो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो विद इन इलास्टिक लिमिट जो एरिया होगा आपका रेजिलेंस देगा। लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो अप टू इलास्टिक लिमिट अगर ये एरिया आप निकालेंगे तो प्रूफ रेजिलेंस हो जाएगा। इलास्टिक लिमिट को टच करेगा तो इस केस में जो एरिया होगा वो प्रूफ रेजिलेंस को देगा। और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम अगर आप ड्रॉ करेंगे अप टू इलास्टिक लिमिट तो ये मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है जो कि स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है। अब स्ट्रेन का डेफिनेशन देख लेते, रेजिलेंस का डेफिनेशन देख लेते। तो रेजिलेंस क्या होता है, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो एनर्जी ऑब्जर्व करने का एबिलिटी होता है दैट इज रेजिलेंस होता है। ये क्या किसके इक्वल होता है, तो ये एरिया इक्वल टू एरिया अंडर द फोर्स एंड डिफ्लेक्शन कर्व। फोर्स और डिफ्लेक्शन कर्व के बीच में जो एरिया होता है वही रेजिलेंस के इक्वल हो जाता है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का बात कीजिएगा तो ये अप टू इलास्टिक लिमिट होता है, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम। ये कहता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है, और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा वन या सिग्मा टू, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है। एक्स सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस हाफ रूट अंडर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर टो एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाता है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टो एक्स वाई क्या है आप लोगों को बताइए, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस विद द वर्टिकल, वर्टिकल से प्रिंसिपल एक्सिस का जो एंगल होता है टेन टू थीटा पी। ये जो एंगल है ये प्रिंसिपल एक्सिस का एंगल है विद द वर्टिकल, इसका फॉर्मूला हो जाता है टू टो एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल स्ट्रेस कंडीशन दिखाया गया है, ये आपका कोई स्ट्रेस कंडीशन है। इस स्ट्रेस कंडीशन में वर्टिकल से थीटा एंगल पर एक प्लेन है, इस प्लेन पे सिग्मा डैश एक्स स्ट्रेस है और इस पे टो एक्स डैश वाई डैश कोई स्ट्रेस है। तो इसका इसको निकालना है इसके टर्म में, ये सारे डाटा जो दिए हुए हैं इसके टर्म में। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टो एक्स वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टो एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू हो जाता है सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टो एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ का बात करें तो किसी भी कॉलम का इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, तो इफेक्टिव लेंथ अगर दोनों पॉइंट हिंज है तो एल हो जाएगा, दोनों फिक्स है तो पॉइंट फाइव एल हो जाएगा, एक हिंज है और एक फिक्स है तो क्या हो जाएगा एल बाई रूट टू हो जाएगा, और एक फ्री है और एक फिक्स है तो ये कितना हो जाएगा इस केस में टू एल हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है इस केस में क्या है, रोटेशन प्रोहिबिटेड है सिर्फ ट्रांसलेशन अलाउड है। तो इस केस में 1.2L इसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। ये रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों यहाँ पे पॉसिबल है तो 1.5L हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हिंज है तो इस केस में जो इसका कर्व अगर देखेंगे तो ये फ्री इस केस को रिजेंबल करता है, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। अगर ओवरहैंग का बात करें इस केस में ये जो दिया हुआ है सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ओवरहैंग दोनों साइड 25% है 25% है होल स्पैन के 25% ओवर हैंग है, तो इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। ये यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे सपोर्ट है, इधर क्या है जो ओवर हैंग है ए है, यहाँ पे ओवर हैंग ए है। इस केस में ओवर हैंग जो है ना, मान लीजिए कि ओवर हैंग 25% से कम है तो इस केस में क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे जो होगा वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बाई एट। इस केस में क्या है कि ओवरहैंग जो है ना वो 25% से ज़्यादा है, इस केस में भी जो बेंडिंग मोमेंट हो जाएंगे वो यही हो जाएंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बाई एट। इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, इस केस में निगेटिव हो जाएगा। मोस्ट इकोनॉमिकल केस का बात करें तो मोस्ट इकोनॉमिकल केस का बात करेंगे तो ए का वैल्यू 20.7% ऑफ द होल स्पैन होना चाहिए। अगर ओवरहैंग 20.7% ऑफ द होल स्पैन होता है इस केस में क्या होगा, आपका
बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा ना, यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा और यहाँ पर जो बेंडिंग होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव दोनों बेंडिंग मोमेंट इक्वल होंगे, ठीक है। और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 0.0215 WL², इतना ही नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। सेम केस में अगर सिंपली सपोर्टेड कर देते हैं, एंड पे सिंपली सपोर्ट कर देते हैं और बीम को UDL प्रोवाइड करते हैं, तो इन दैट केस आपका जो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा 0.125 WL² सिंपली सपोर्टेड केस में। लेकिन अगर ओवरहैंग प्रोवाइड कर देते हैं तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट इतना हो जाता है, काफ़ी कम होता है, बेंडिंग मोमेंट काफ़ी कम होता है। इसलिए इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो मोस्ट इकोनॉमिकल केस होगा, ठीक है। अगर सेम केस को फिक्स कर देते हैं, तो फिक्स कर देंगे तो उस केस में आपका मिड स्पैन पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा 0.04 WL² हो जाएगा, और आपका सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो 0.083 WL² होगा। सारे केसेस को आप देखेंगे तो पाएंगे क्या कि जो ओवरहैंग का जो केस होता है इसमें बेंडिंग मोमेंट सबसे कम है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है ना, ये होता है पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन ऑन इलास्टिक कर्व इनटू रिवर्स कर्व। जब ये पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन होता है, जब ये रिवर्स कर्व में कन्वर्ट होता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मतलब एक कनकेव कर्व आ रहा है और यहाँ से कनकेव में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये जो पॉइंट हुआ क्या हुआ, ट्रांजिशन पॉइंट होगा, तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इस जगह पे, इस पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है और बेंडिंग मोमेंट जीरो भी होता है। इलास्टिक कर्व क्या होता है, तो जो होता है ना, जो बीम होता है उसका जो एक्सिस होता है, उस एक्सिस का जो ट्रेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कर्व। द ट्रेस ऑफ एक्सिस ऑफ ए लोडेड इलास्टिक बीम इन अ डिफ्लेक्टेड पोजीशन इज कॉल्ड इलास्टिक कर्व। डिफ्लेक्टेड पोजीशन में जो बीम जिस तरह का शेप एक्वायर कर लेता है वही उसका इलास्टिक कर्व होता है। अगर आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है तो आपका इलास्टिक कर्व कनकेव अप होता है, बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होता है तो कनकेव डाउन होता है आपका इलास्टिक कर्व। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नोडल पॉइंट, थीटा वर्सेस एल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उस केस में जब ये डायग्राम का जब साइन चेंज हो जाता है, साइन जब चेंज होता है, तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट कहते हैं। और उस पॉइंट पर रिजल्टिंग ट्विस्ट एंगल जो होता है ना वो जीरो होता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन का बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन में वर्चुअल किस चीज़ के लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को वर्चुअल लेते हैं। कुछ फार्मूला को देख लेते हैं, तो ई इज इक्वल टू 2g(1+μ) होता है। ये ESC 2006 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। E इज इक्वल टू 3k(1-2μ) होता है। E इज इक्वल टू 9g(3k+g) होता है। ये 2013 में ESC में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। म्यू इज इक्वल टू आपका होता है 3k-2g/6k+g। ये 95 ESC में पूछा है, 98 में भी पूछा है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला याद रखेंगे। डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, PL/A होता है। और इस केस में जो डिफ्लेक्शन का फार्मूला हो जाएगा PL/π/4 d1 d2 into e हो जाता है। डिफ्लेक्शन सेल्फ वेट के कारण जो होता है, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर है तो उस केस में सेल्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो WL/2AE हो जाएगा। ये सेल्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल्फ वेट के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है और डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू होता है γL²/2E। कोई भी क्रॉस सेक्शन होना एरिया होना चाहिए लेंथ की, लेकिन लेंथ के थ्रू आउट उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। इन दैट केस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू γL²/2E। गामा क्या है, वो डेंसिटी है, मटेरियल का डेंसिटी होता है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये भी होता है, γL²/6E। ये 2015 में ESC में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कॉनिकल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इन दैट केस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। टोटल डिफ्लेक्शन जो होता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करें तो रेक्टेंगुलर के लिए BD³/12 होता है। ट्रायंगल के लिए क्या कहते हैं, ट्रायंगल का बात करें तो BD³/36 होता है। स्क्वायर सर्कुलर का π d³/4/64 होता है। ट्रेपेजॉइडल का a² + b² +
4ab बाई ए प्लस बी डी क्यू अपन 36 होता है। पैरल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? ठीक है, पैरल एक्सिस थ्योरम ये होता है कि अगर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और उसके अदर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसका डिस्टेंस डी है फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, तो ये फार्मूला अप्लाई करके, पैरल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग निकालते हैं ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सेक्शन मॉडुलस का बात करें तो सेक्शन मॉडुलस दो तरह का होता है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? आई बाई वाई मैक्सिमम होता है। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 एंड सो वन, इस तरह से निकाल सकते हैं। इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो होता है ना वो पास होता है आपका सीजी के, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के सीजी से इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पास करता है। और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या करता है? उस क्रॉस सेक्शन एरिया को, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस सेक्शन एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नोट क्या बात कर ले तो व्हेन क्रॉस सेक्शन एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो उस केस में इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों एक दूसरे को कॉइंसाइड करता है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होता है? जे इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी ए होता है। आर क्या होता है? ये रेडियल डिस्टेंस होता है डी ए का। ये क्या होता है? टोर्सनल डिफ्लेक्शन का जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का बात कर ले तो मान लीजिए कि एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स के अबाउट अगर आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वाई के अबाउट आई वाई वाई है, तो जेड के अबाउट निकालना होगा, तो जेड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस वाई वाई, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सर्कुलर सेक्शन का जे जो हो जाता है पाई डी थ्री पावर फोर अपन 32 हो जाता है। पोलर मॉडुलस, इसको टोर्सनल सेक्शन मॉडुलस भी बोलते हैं, जेड पी इज्कवल टू हो जाता है जेड बटा जे बटा आर। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का बात करें तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है 16 टी पाई डी क्यू होता है, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है ना वो क्या होता है? 32 एम पाई डी क्यू होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल से वो एंगल, वो मिनिमम एंगल जिस पे ये बॉडी स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मतलब एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होता है तो ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ रिपोज होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, नॉर्मल से जो एंगल बनाता है वही एंगल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। डिफरेंस केसेस हैं उसके, डिफ्लेक्शन है और एंगल है। अगर पी लोड लग रहा है तो इस केस में पी एल स्क्वायर अपन टू ई डेल्टा इक्वल टू पी एल क्यू अपन थ्री ई, एम एल अपन टू ई आई एम एल स्क्वायर अपन थ्री ई आई, डब्ल्यू एल क्यूल अपन सिक्स ई आई डब्ल्यू एल टू द फोर अपन एट ई आई। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू पाई बाई 384 डब्ल्यू एल टू द फोर अपन ई आई, और उसका 1/5 लेंगे तो ये केस आ जाएगा। पी एल स्क्वायर अपन 16 आई, एंगल का बात करें पी एल स्क्वायर अपन 16 ई आई, डिफ्लेक्शन पी एल क्यू अपन 48 ई आई। इस केस में डब्ल्यू एल क्यू अपन 24 ई आई एंगल हो जाएगा और डिफ्लेक्शन हो जाएगा 5/384 डब्ल्यू एल फोर अपन ई आई। इस केस में डिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा 1/4 पी एल क्यू अपन 48 ई आई। ये जो केस है इस केस में आपका जो थीटा हो जाएगा वो एम एल अपॉन 2 ई आई यहाँ पे और यहाँ पे, डिफ्लेक्शन जो एंगल जो हो जाएगा एम एल अपॉन 2 ई आई, और डिफ्लेक्शन का बात करें तो एम एल स्क्वायर अपॉन 8 ई आई। ये जेपीएससी में प्रीवियस ईयर असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मोमेंट लगा हो तो थीटा बी इज इक्वल टू हो गया एम एल अपन 3 आई, और थीटा ए जो हो जाएगा एम एल अपन 6 आई, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। डिफ्लेक्शन का बात करें तो एम एल स्क्वायर 903 अपन ई आई हो जाएगा। इस केस में थीटा इज इक्वल टू होता है एम एल क्यू अपन डब्ल्यू एल क्यू अपन 24 ई आई, और डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा डब्ल्यू एल टू द 4 अपन 30 ई आई। इस केस का बात कीजिएगा तो आपका जो थीटा हो जाएगा 5/192 डब्ल्यू एल क्यूल अपॉन ई आई, डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल टू द 4 अपॉन 120 ई आई। इस केस की बात कीजिएगा तो थीटा बी, यहाँ पे थीटा बी है, थीटा है तो ये थीटा बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल अपॉन 12 ई आई, और ए और सी पे जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, जो सॉरी एंगल हो जाएगा वो एम एल अपॉन 24 ई आई, जस्ट इसके हाफ हो जाएगा। थिन सिलेंड्रिकल वेसल का बात करें तो हुप स्ट्रेसेस पी डी अपॉन 2 टी होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस पी डी अपॉन 4 टी होता है।
थिन सिलेंडर किसे कहते हैं, जब थिकनेस बटा रेडियस जो होता है ना लेस देन इक्वल टू 10 होता है, 1/10 होता है, तो उस केस को बोलते हैं क्या, थिन सिलेंडर बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन PD अपॉन 40 माइनस म्यू इंटू PD अपॉन 2T, और डायमेट्रिकल स्ट्रेन निकालेंगे तो PD अपॉन 40 माइनस म्यू इंटू PD अपॉन 2T निकाल सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन का बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिकल स्ट्रेन, इसको ऐड करेंगे तो ये जगह PD अपॉन 40 5 माइनस 4 म्यू। स्फेरिकल सेल का बात करें तो हाइपोस्टेसिस PD अपॉन 40 होता है 40, और डायमेट्रिकल स्ट्रेन का बात करेंगे तो PD अपॉन 40 माइनस म्यू इंटू PD अपॉन 40 हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का बात करेंगे तो 3 टाइम्स डायमेट्रिकल स्ट्रेन हो जाएगा, जो कि ये हो जाता है, ठीक है। थिक सिलेंडर का बात करें तो थिक सिलेंडर का मान लीजिए रेडियस R1 इनर रेडिएशन है, R2 आउटर रेडियस है, उस केस में A का वैल्यू जो हो जाता है P1 R1 स्क्वायर माइनस P2 R2 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। B का वैल्यू हो जाता है R1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर इंटू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाता है A प्लस B बाई R स्क्वायर, रेडियल स्ट्रेन A माइनस B बाई R स्क्वायर, हाइपोस्टेसिस जो हो जाते हैं A के इक्वल हो जाते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इसको ध्यान में रखना है, हाइपोस्टेसिस एज्यूम किए जाते हैं यूनिफॉर्म, लेकिन यूनिफॉर्म होते नहीं है, इनर पे ये मैक्सिमम होते हैं, आउटर पे ये क्या होते हैं मिनिमम होते हैं, इनर पे ज़्यादा होते हैं। अगर मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो है ना वो एवरेज प्लस 5% ऑफ द एवरेज, ये दोनों को ऐड करेंगे तो उससे कम होता है, तो इस केस में सिलेंडर को थिन सिलेंडर कंसिडर किया जाता है। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो होते हैं एवरेज प्लस 5% ऑफ एवरेज, दोनों को ऐड करेंगे तो उससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। ये तीन केस डिफरेंट डिफरेंट केस दिए गए हैं। मान लीजिए सिलेंडर को इनर आउटर दोनों में 5 MPa का प्रेशर लगाया जा रहा है तो हाइपोस्टेसिस जीरो हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस जीरो हो जाएंगे, अंदर में 5 MPa बाहर में जीरो हो जाएंगे तो हाइपोस्टेसिस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस दोनों टेंसाइल होंगे। अगर 2 MPa है यहाँ पर 5 MPa है तो इस केस में हाइपोस्टेसिस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस दोनों कंप्रेसिव हो जाएंगे, हाइपोस्टेसिस ओपन या क्लोज दोनों केस में टेंसाइल या कंप्रेसिव हो सकते हैं, ओपन या क्लोज दोनों केस में काम करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हमेशा क्लोज पाइप में काम करता है और ये टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हो सकता है। रेडियल स्ट्रेसेस हमेशा कंप्रेसिव होते हैं। ऑटोफ्रीटेस क्या होता है, ये प्री स्ट्रेसिंग होता है, जिस तरह से प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है उसी तरह से क्या करते हैं पाइप को प्री स्ट्रेस कर देते हैं, ठीक है। ये क्यों प्री स्ट्रेस करते हैं, ताकि मटेरियल को इकोनॉमिकली यूटिलाइज किया जा सके, बस इतना ही ध्यान रखिए। हाइपोस्टेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें थिन सिलेंडर में तो हाइपोस्टेसिस मान लीजिए ये P1 P2 ये इनर प्रेशर है या आउटर प्रेशर है तो हाइपोस्टेसिस टेंसाइल होंगे। ये मान लीजिए कि केस क्या हो गया, P1 ज़्यादा है P2 से तो σ1 इज ग्रेटर देन σ2 और टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। P1 इज ग्रेटर देन P2 बट P2 जो है ना ये जीरो है, मतलब गॉज प्रेशर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जो P1 P2 है ना सारे गॉज प्रेशर हैं। तो σ1 इज ग्रेटर देन σ2 हो जाएगा, इस केस में भी टेंसाइल होगा। P1 इज लेस देन P2, इनर का प्रेशर कम है तो इस केस में जो हाइपोस्टेसिस होंगे वो σ1 इज ग्रेटर देन σ2 हो जाएंगे और इस केस में कंप्रेसिव हाइपोस्टेसिस डेवलप होगा। रेडियल स्ट्रेस का बात करें तो किस तरह से थिक सिलेंडर में रेडियल स्ट्रेस डेवलप होते हैं, तो रेडियल स्ट्रेस हमेशा क्या होते हैं कंप्रेसिव होते हैं। अगर P1 ज़्यादा है P2 से तो हाइपोस्टेसिस σ1 इज ग्रेटर देन σ2 ये कंप्रेसिव होंगे, हमेशा कंप्रेसिव होते हैं। P1 इज ग्रेटर देन P2 और P2 आउटर गॉज प्रेशर जीरो है तो यहाँ पर जो प्रेशर होंगे ये जीरो हो जाएंगे, σ2 आपका जीरो हो जाएंगे और σ1 किसके इक्वल हो जाएंगे P1 के इक्वल हो जाएंगे, ये कंप्रेसिव होंगे। और मान लीजिए कि P2 आउटर प्रेशर ज़्यादा है इनर से तो उस केस में आउटर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा इनर से और जो स्ट्रेस होंगे कंप्रेसिव होंगे, क्योंकि ऑलवेज कंप्रेसिव होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देख चुके हैं 16 T/πD³ होता है, पावर का जो फार्मूला होता है टी ओमेगा होता है और ओमेगा इज इक्वल टू 2πN/16 होता है, तो यहाँ से डायमीटर का वैल्यू निकालेंगे तो ये सारा कॉन्स्टेंट होता है तो P/N^(1/3) होता है, मतलब डायमीटर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/N^(1/3) होता है, ठीक है। तो ये CGPSC में एक क्वेश्चन पूछा था, उसके रिगार्डिंग कुछ डाटा दिया गया है।
आइसोट्रॉपिक मटेरियल का बात करें तो सारे डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होते हैं सेम होते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल में। एनिसोट्रॉपिक में क्या होते हैं कि प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन लेंगे तो सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी इधर के वन होगा तो इधर के टू होगा तो इधर के थ्री होगा तो के फोर होगा, इस तरह से सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे, तो उस मटेरियल को क्या बोलेंगे एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। होमोजेनियस मटेरियल में क्या होता है सेम मटेरियल ऑन डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होते हैं वो सेम होते हैं। ऑर्थोट्रॉपिक का बात करें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, ऑर्थोगोनल से ही ऑर्थोट्रॉपिक बना है। तो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होंगे वो क्या होंगे सेम होंगे। पेडेस्टल कब करते हैं जब इफेक्टिव लेंथ जो होता है ना 3 times ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम होता है, या इफेक्टिव लेंथ जो होता है ना 9 times ऑफ द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन से कम होता है, तो उस केस में जो बीम होंगे उस कॉलम जो होंगे उसको पेडेस्टल कह सकते हैं। एम वाई इज्कल टू सिग्मा वाई इज्कल टू ई वाई आर, ये बेंडिंग जनरल बेंडिंग इक्वेशन है। शियर फ्लो किस तरह से निकाल सकते हैं, शियर फ्लो का वैल्यू होता है वी क्यू अपन आई, या क्यू क्या होता है एरिया इंटू वाई बार। एरिया क्या होता है जिस इस सरफेस पे अगर मान लो आपको शियर फ्लो निकालना है तो इस सरफेस के ऊपर जो एरिया है पेंटेड एरिया है इसका एरिया निकालते हैं, और इसका सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द ये एक्स मतलब न्यूट्रल एक्सिस से सीजी का डिस्टेंस ये होता है आपका वाई बार, तो ये वाई बार हो गया। इस तरह से आप शियर फ्लो निकाल सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर स्ट्रेस इन द बीम। जब बीम का जो टेम्परेचर होता है अपर का कुछ और होता है लोअर का कुछ और होता है, तो उस केस में टेम्परेचर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन कितने का इक्वल होता है एल स्क्वायर अपॉन एट आर। इसको और रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करें तो कर्वेचर का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी अपॉन एच हो जाता है। ये कर्वेचर CGPSC AE में एक क्वेश्चन पूछा था कर्वेचर कितना हो जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी अपॉन एट एच। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेन का बात करें तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बाई ई। ठीक है, इस तरह से सिग्मा वाई हो जाए एप्सिलॉन वाई हो जाएगा एप्सिलॉन जेड हो जाएगा। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का बात करेंगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड हो जाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक और फॉर्मूला होता है, इसको तीनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इंटू वन माइनस टू में। प्रिंसिपल स्ट्रेन एनालिसिस, तो सिग्मा पी वन मान लीजिए कि आपने दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिग्मा मतलब स्ट्रेन निकाले हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाले हैं और उससे आपको स्ट्रेस निकालना है, तो सिग्मा पी वन इक्वल टू हो जाता है ई बाई वन माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन पी वन प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन पी टू, और सिग्मा पी टू इक्वल टू हो जाता है ई बटा वन माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन पी टू प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन पी वन। अब प्लेन स्ट्रेस का अगर कंडीशन हो जाएगा तो सिग्मा पी थ्री तो जीरो हो जाएगा लेकिन एप्सिलॉन पी थ्री जीरो नहीं होता है, उस केस में एप्सिलॉन पी थ्री हो जाएगा माइनस म्यू बटा वन माइनस म्यू एप्सिलॉन पी वन प्लस एप्सिलॉन पी टू। अगर स्क्वायर का बात करें तो स्क्वायर का आई इक्वल टू हो जाएगा ए टू द फोर अपॉन ट्वेल्व, तो जेड हो जाता है ए क्यू अपॉन सिक्स, और ये डायगोनल हॉरिजेंटल करके अगर पुट कर देते हैं तो आई तो सेम ही हो जाता है ए टू द फोर अपॉन ट्वेल्व, लेकिन जेड का वैल्यू डिफर कर जाता है, जेड का वैल्यू जो हो जाता है ए क्यू अपॉन सिक्स रूट टू। तो इस तरह से जेड जो होता है ना जेड दोनों का अलग अलग हो जाता है, तो इस तरह से स्ट्रेंथ भी दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ये CGPSC AE में क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कर्न का बात कर लेते हैं, तो कर्न क्या होता है कॉलम का वो पोर्शन जिससे अगर कोई भी लोड पास करता है तो कॉलम में कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होता है, तो उस पोर्शन को क्या बोलते हैं कर्न बोलते हैं। स्क्वायर का कर्न स्क्वायर ही होता है, और उस कर्न का जो डायगोनल होता है ए बाई थ्री हो जाता है, और जो साइड हो जाता है ए बाई थ्री रूट टू हो जाता है। ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के केस में जो कर्न होते हैं रोम्बस होते हैं, उसका साइड का बात करें तो डी बाई सिक्स का होल स्क्वायर प्लस बी बाई सिक्स का होल स्क्वायर का रूट अंडर कर लेंगे तो ये साइड हो जाएगा रोम्बस का मतलब कर्न के रोम्बस का। आई अगर रोम्बस जो हो जाता है रेक्टेंगल का जो कर्न होता है वो एक रोम्बस होता है और उसका साइड इसके इक्वल हो जाता है। अगर कॉलम आई सेक्शन है तो उस केस में जी कर्न होंगे और रोम्बस होंगे। सर्कल के केस में भी जो कर्न होते हैं ये क्या होते हैं सर्कल ही होते हैं,
हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों केस में सर्कल ही होते हैं, और सर्कल का डायमीटर कितना हो जाता है, डी बाई फोर। यूलर क्रिटिकल लोडिंग का बात करें तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर होता है, ये क्रिटिकल लोड होता है। जिस इफेक्टिव लेंथ अपॉन के मतलब स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू रूट अंडर पाई स्क्वायर ई अपॉन क्रशिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। यह स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू से ज़्यादा होगा तभी यह फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। यह सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, और लॉन्ग कॉलम जो होता है ना फेल करता है, बकलिंग में फेल करता है। इस फार्मूला को क्या बोलते हैं, यूलर्स फार्मूला कहते हैं, ठीक है। और शॉर्ट कॉलम जो होते हैं ना वो क्रशिंग में फेल करते हैं, इंटरमीडिएट कॉलम जो होते हैं क्रशिंग में फेल कर सकते हैं, बकले में भी फेल सकते हैं, किसी में फेल कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट कॉलम को रनकाइन फार्मूला से डिजाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एल अपॉन के, मतलब कॉलम का लेंथ अपॉन के, के क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर होता है। इस रेशियो को बोलते हैं बकलिंग फैक्टर। रनकाइन लोड जो होता है, वन बाई रनकाइन लोड इज इक्वल टू वन बाई क्रशिंग लोड प्लस वन बाई यूलर्स लोड। इसको सॉल्व करेंगे तो रनकाइन लोड इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा सी ए अपॉन ए प्लस सिग्मा सी पाई स्क्वायर ई अपॉन एल इफेक्टिव बाई के का होल स्क्वायर। ये आपका रनकाइन लोड यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला जो होता है ना ये ऑल सिलेंडरलेस रेशियो के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, सारे कॉलम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और इंटरमीडिएट कॉलम। यूलर्स फार्मूला जो होता है, यूलर्स फार्मूला माइल्ड स्टील के लिए, स्टील के लिए जब सिलेंडरलेस रेशियो 80 to 200 होगा तब वैलिड होता है यूलर्स फार्मूला। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग जो होता है ना, इस केस में बेसिक स्ट्रेस इक्वेशन हो जाता है माइनस सिग्मा एम जेड बाई आई जेड इंटू वाई प्लस एम वाई बाई आई वाई इंटू जेड इज इक्वल टू सिग्मा होता है। और इस सिग्मा के जगह पे अगर जीरो पुट कर देते हैं तो आपका इक्वेशन न्यूट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकल के आ जाता है। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के केस में अगर आपको न्यूट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालना तो इसको जीरो को पुट कर दीजिएगा, आपका इक्वेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ जाएगा। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का जो केस होता है वो बाईएक्सियल लोडिंग के कारण भी हो सकता है या क्रॉस सेक्शन एसिमेट्रिकल होगा उस कारण भी हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का बात करते हैं। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होता है डिफरेंट मेथड से इसको निकाल सकते हैं, जैसे होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन किस किस केस में आप यूज़ कर सकते हैं, जब यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट होता है तब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड लोड हो या कंसंट्रेटेड मोमेंट हो तो इस केस में क्या कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है, ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम होता है। इसी को इंटीग्रेट करके सारा चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल सारा चीज़ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला होता है आपका मैकॉले मेथड। मैकॉले मेथड क्या होता है, अगर आपका बेंडिंग मोमेंट कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैकॉले मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यह कंसंट्रेटेड लोड या कंसंट्रेटेड मोमेंट के केस में भी ये यूज़ किया जा सकता है। डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या कर सकते थे, कंसंट्रेटेड लोड और मोमेंट के केस में यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए मैकॉले मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी बीम पे लोडिंग यहाँ से यहाँ तक है तो अगर मैकॉले मेथड से इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इस लोडिंग को पूरा फिल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लोड लगाएंगे और फिर इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से भी लोड लगाएंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एरिया मोमेंट मेथड क्या होता है, एरिया मोमेंट मेथड तब यूज़ करते हैं जब एम बाई ई आई डायग्राम का जो एरिया होता है और मोमेंट ऑफ एरिया होता है उसको निकालना आसान होता है, तो एरिया मोमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरनल हिंस या नॉन प्रिज्मेटिक केस में यूज़ कर सकते हैं। मोहर फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि चेंज इन द स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द डिफ्लेक्टेड कर्व शेप इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन द सेम पॉइंट्स। मतलब स्लोप में चेंज निकालना किसी भी दो पॉइंट के बीच में, डिफ्लेक्टेड कर्व है उसके बीच में, अगर दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना है, चेंज इन स्लोप निकालना है, तो एम बाई ई आई डायग्राम का क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे उसी सेम स्लोप में, सेम पॉइंट्स के बीच का एरिया निकाल लेंगे, सेम पॉइंट्स के बीच का एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया निकाल लेंगे तो स्लोप के इक्वल हो जाएगा। मोर्स सेकेंड थ्योरम कहता है कि अगर डिफ्लेक्शन निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो देख लीजिए ये, इसको ध्यान से देखिएगा, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ए, किसी भी ए पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट बी,
किसी भी अदर पॉइंट है जो बी है उस पर जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में इसका डिफ्लेक्शन निकालना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम। किसके इक्वल हो जाएगा, एम बाई ई आई डायग्राम के मोमेंट के इक्वल हो जाएगा, कौन सा एरिया हो जाएगा, ए और बी के बीच का एरिया, किसके अबाउट मोमेंट निकालेंगे, ए के अबाउट मोमेंट निकालेंगे। तो ये मोहर सेकेंड थ्योरम हो जाता है आपका। नाउ मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कुछ इस तरह से कोई ग्राफ है, इसका एरिया आपको एक कर्व है, सॉरी इस तरह का कोई कर्व है, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो है या थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो है, बस इसमें एरिया का वैल्यू जो हो जाएगा एन बटा एन प्लस वन इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। एक्स बार, ये जो एक्स बार है ये थीटा जीरो से इसका डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्स बार एन एन प्लस वन बाई एन प्लस टू बाई टू इंटू बी हो जाएगा। वाई बार का बात करते हैं, एन बटा टू एन प्लस वन इंटू एच हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में क्या है, यहाँ थीटा जीरो है, यहाँ थीटा जीरो नहीं है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा वन बटा एन प्लस वन इंटू बी इंटू एच। एक्स बार यहाँ से यहाँ तक एक्स बार का डिस्टेंस है, एक्स बार इक्वल टू एन बटा वन प्लस एन बटा सॉरी एन प्लस वन बाई एन प्लस टू इंटू बी हो जाएगा। वाई बार हो जाएगा हाफ एन प्लस वन और टू एन प्लस वन इंटू एच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हम लोग डिफ्लेक्शन किस तरह से निकालते हैं, तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड जब अप्लाई करते हैं तो इसमें एज्यूम किया जाता है कि स्ट्रेन एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं होना चाहिए। ये प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक दोनों को केस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैंटिलीवर फ्रेम या कैंटिलीवर आर्च के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है। और इस अब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी देख लीजिए, तो एनर्जी मोमेंट के कारण एनर्जी क्या हो जाएगा, एमएक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ए। अगर कोई एक्सियल फोर्स है तो पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ए। सी एल फोर्स है तो वी एक्स अपॉन वी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ए जी हो जाएगा। और टॉर्क है तो टी एक्स स्क्वायर अपॉन टू जी जे इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एनर्जी निकल के आपका आ जाएगा। अब कैस्टिक लानो सेकेंड थ्योरम से इसको अगर फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एनर्जी को, डिफ्लेक्शन निकलेगा। मोमेंट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एंगल निकलेगा, थीटा निकलेगा। टॉर्क के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो टॉर्क निकलेगा। इस तरह से एक और होता है कैस्टिक लानो फर्स्ट थ्योरम। अगर डिफ्लेक्शन से डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लोड निकलेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मोमेंट निकलेगा, और टॉर्क थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, टॉर्क निकल के आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंजुगेट बीम मेथड। तो कंजुगेट बीम मेथड जो क्या होता है ना, प्रिज्मेटिक या नॉन प्रिज्मेटिक बीम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल लेंस का केस है उसके लिए भी कंजुगेट बीम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, लोडिंग जो होता है एम बाई आई डायग्राम जो होता है ना, लोडिंग डायग्राम हो जाता है। मोहर्स फर्स्ट थ्योरम कहता है जो स्लोप अगर निकालना है तो सी एल फोर्स स्लोप अगर रियल बीम में निकालना है तो कंजुगेट बीम में सी एल फोर्स निकाल लीजिए। मोहर्स सेकेंड थ्योरम कहता है कि स्लोप अगर डिफ्लेक्शन अगर कंजुगेट रियल बीम में निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए कंजुगेट बीम में। कंजुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो डिफ्लेक्शन निकल के आ जाएगा। अगर शियर फोर्स आपका पॉजिटिव होता है तो एंटी क्लॉकवाइज आपका एंगल हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हो जाएगा। अगर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। अगर रियल बीम आपका डिटर्मिनेंट स्टेबल है तो कंजुगेट बीम भी आपका डिटर्मिनेंट स्टेबल है। रियल बीम इनडिटर्मिनेंट है तो कंजुगेट बीम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। रियल बीम अनस्टेबल है तो कंजुगेट बीम आपका क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, डिफ्लेक्शन है वन पॉइंट पे जब लोड लगाते हैं टू पे, या डिफ्लेक्शन है टू पे जब लोड लगाते हैं वन पे, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। बेटीज लॉ, तो बेटीज लॉ क्या कहते हैं, पहले इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे लोड लगाए हैं पी वन, यहाँ पे पी थ्री, तो डिफ्लेक्शन निकला टू पे डेल्टा टू, फोर पर डिफ्लेक्शन निकला डेल्टा फोर। यहाँ पे पी टू लोड लगा लिए और यहाँ पे पी फोर लगा लिए, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकला पी वन और यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकला यहाँ पे पी थ्री। तो क्या हो जाता है, पी वन डेल्टा वन प्लस पी थ्री डेल्टा थ्री इज इक्वल टू पी टू डेल्टा टू प्लस पी फोर डेल्टा फोर। ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे। ये ऐसा नहीं कि ये दो पॉइंट होगा, चार पॉइंट, छः पॉइंट, आठ पॉइंट, दस पॉइंट, इस तरह से इवेंट नंबर अगर पॉइंट होंगे तो ये फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, वेटीज लॉ बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सीयर सेंटर।
तो किसी भी बीम का वो शियर सेंटर उस सेंटर को बोलते हैं जिससे अगर लोड पास करता है तो ट्विस्टिंग नहीं होता है। ये हमेशा शियर सेंटर हमेशा सिमेट्रिकल एक्सिस से पास करेगा। अब अगर आपके पास कोई सेक्शन है जिसका दो सिमेट्रिकल एक्सिस है, तो दो सिमेट्रिकल एक्सिस है तो उस केस में दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा, ये मान लीजिए दो सिमेट्रिकल एक्सिस है, ये भी सिमेट्रिकल एक्सिस है, ये भी सिमेट्रिकल एक्सिस है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यही आपका क्या हो जाएगा, शियर सेंटर हो जाएगा। ये चैनल के केस में ई इज इक्वल टू ये शियर सेंटर का पोजिशन है, ये सेमी सर्कुलर के केस में ये सीएस सेंटर का पोजीशन है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर टी अपन फोर आई, बी ए है एच ए है, ठीक है। ई इक्वल टू इसमें हो जाएगा फोर आर बाई पाई। लीस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि रूट अंडर आई बाई आई मिनिमम बाई ए हो जाता है, तो ये लीस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन। स्लैंडरनेस रेशियो क्या होते हैं, एल बाई के होते हैं, के क्या होते हैं, लीस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन होता है। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम, ठीक है, जब बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है ना वो सेम होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, तो जो बीम होता है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बीम होता है, ठीक है। और अगर आप यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बीम में अगर बी को चेंज कर रहे हैं, मतलब विड्थ को चेंज कर रहे हैं, तो विड्थ किसी भी एक्स पॉइंट पर हो जाएगा, बी एक्स इक्वल टू बी इंटू एक्स अपॉन एल हो जाएगा। अगर डेप्थ को अगर चेंज कर रहे हैं आप, तो डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर एल अपॉन एल, डी स्क्वायर एल इंटू एक्स हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी ऑफ फेल्योर। तो होता क्या है कि कोई भी मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस में, मैक्सिमम स्ट्रेन में, या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में, या स्ट्रेन एनर्जी, या मैक्सिमम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रेस के केस में मतलब फेल कर सकता है। ये सारे जो केस हैं ये यूनिएक्सियल टेस्ट अगर करेंगे तो सारे केस जो होते हैं ना वन टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे, मतलब सिमल्टेनियसली आते हैं, लेकिन बायएक्सियल ट्राइएक्सियल के केस में सारे जो एबव केस हैं एक साथ नहीं आते। डक्टाइल मटेरियल जो होता है ना किस चीज़ में फेल करता है, सीएल में फेल करता है, और ब्रिटल मटेरियल टेंशन में फेल करता है। जो थ्योरी है, प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ फेल्योर जो है ना, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, ठीक है। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इसको कहते हैं, या रनकाइन थ्योरी भी कह सकते हैं, रनकाइन थ्योरी भी कह सकते हैं। ये जो थ्योरी है ये हाइड्रोस्टेटिक टेंशन या हाइड्रोस्टेटिक कंप्रेशन के केस में फेल कर जाता है, मतलब इसका यूज़ नहीं करते हैं। ब्रिटल मटेरियल के लिए टू सम एक्सटेंट गुड है ये। डक्टाइल या प्योर शियर कंडीशन के लिए ये फेल कर जाता है थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, सॉरी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी नहीं है ये मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है ये, जिसको बोलते हैं सैंत वेदांत थ्योरी या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी बोलते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन जो होते हैं ना, स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, सिग्मा पी वन बाई ई म्यू इंटू सिग्मा पी टू बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा पी थ्री बाई ई इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा वाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये आपका थ्री डी में डिजाइन का फॉर्मूला आ जाएगा। 2D में डिजाइन का फॉर्मूला करें, मतलब कि सिग्मा पी थ्री अगर जीरो हो जाएगा तो सिग्मा पी वन माइनस म्यू इंटू सिग्मा पी टू इज इक्वल टू सिग्मा वाई बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये डिजाइनिंग के लिए सही नहीं है, इसे आप लोग डिजाइनिंग नहीं करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम सी एस स्ट्रेस थ्योरी का बात करें, तो मैक्सिमम सी एस स्ट्रेस थ्योरी वो बोलते हैं, गेस्ट कूलम थ्योरी भी बोलते हैं, या ट्रेस्का थ्योरी भी बोलते हैं। डक्टाइल मटेरियल के काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, ये हो जाता है सेफेस्ट फॉर द टोर्सनल शाफ्ट, टोर्सनल शाफ्ट के लिए सेफेस्ट केस होता है। और ये जो होता है प्योर शियर के केस में ओवर सेफ हो जाता है, इसलिए मटेरियल का वेस्टेज हो जाता है, इसलिए ये डिज़ाइन अनइकोनॉमिकल हो जाता है। ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है, इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। कब नहीं यूज़ कर सकते हैं, जब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नियरली एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उस केस में नियरली एक दूसरे के इक्वल होंगे तो शियर स्ट्रेस तो जीरो हो जाएंगे ना, नियरली जीरो हो जाएंगे। दैट्स वाई मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यूज, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कांट बी यूज इन दैट केस। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को बेल्ट्रामी एंड हैक्स थ्योरम भी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी जो होता है आपका हाफ सिग्मा पी वन एप्सिलॉन पी वन प्लस हाफ सिग्मा पी टू एप्सिलॉन पी टू प्लस सिग्मा पी थ्री इंटू एप्सिलॉन पी थ्री होता है। ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरह से ये देख सकते हैं किस तरह से ये थोड़ा सा लिखा गया है, ठीक है। तो ये स्ट्रेन एनर्जी का आपका थ्योरम।
इसको अगर सिग्मा पी थ्री को जीरो पुट कर दिया जाएगा तो ये आपका थ्योरी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इस फार्मूला का यूज़ करके आप 2D में डिज़ाइन कर सकते हैं। ये थ्योरी आपका फेल कर जाता है कब, जब टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेन एनर्जी डिटरमाइंड बाय द सिंपल टेंसाइल टेस्ट, सिंपल टेंसाइल टेस्ट कन्फर्म करते हैं तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आपका मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फेल कर जाता है। इसको डक्टाइल मटेरियल जैसे सिलेंडर, स्पेयर, इस तरह चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इसको बोलते हैं वॉन मिसेस क्राइटेरिया फॉर फेल्योर, या इसको इस तरह से बोल सकते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोल सकते हैं। टोटल एनर्जी जो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी होता है और डिस्टॉर्शन एनर्जी होता है, दोनों एनर्जी को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी निकल के आ जाता है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ टू ई सिग्मा पी वन स्क्वायर प्लस सिग्मा पी टू स्क्वायर प्लस सिग्मा पी थ्री स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा पी वन इंटू पी टू प्लस सिग्मा पी थ्री इंटू पी टू इंटू पी थ्री प्लस सिग्मा पी थ्री इंटू पी वन हो जाता है। उसमें से आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी जो हो जाता है वो वन माइनस टू म्यू बाई सिक्स ई सिग्मा पी वन स्क्वायर प्लस सिग्मा पी वन प्लस सिग्मा पी टू प्लस पी थ्री का होल स्क्वायर हो जाता है। एक आपका वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी है, ये डिस्टॉर्शन एनर्जी है, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस म्यू बाई सिक्स ई सिग्मा पी वन माइनस पी टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा पी टू माइनस पी थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा पी थ्री माइनस पी वन का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरम हो जाता है। सॉरी, सिग्मा पी थ्री को अगर जीरो पुट कीजिएगा तो डिज़ाइन के लिए डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। सिग्मा पी वन स्क्वायर प्लस सिग्मा पी टू स्क्वायर माइनस सिग्मा पी वन इंटू पी टू इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ये जो थ्योरी होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये आपका डक्टाइल मटेरियल और प्योर शियर कंडीशन के लिए बेस्ट थ्योरी होता है। नेक्स्ट थ्योरी है आपका ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस थ्योरी। ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस थ्योरी जो होता है ना आपका, ये सेकेंड बेस्ट थ्योरी फॉर द प्योर शियर कंडीशन होता है। प्योर शियर कंडीशन का डिजाइन के लिए सेकेंड बेस्ट थ्योरी होता है। ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वन बाई थर्ड रूट अंडर सिग्मा पी वन माइनस पी टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा पी टू माइनस पी थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा पी थ्री माइनस पी वन का होल स्क्वायर। मोहर्स थ्योरी होता है, टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट करेंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। किसमें, आपका UTM पर टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, उसके बाद में सिग्मा पी वन और सिग्मा पी टू इस दोनों का रेशियो निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है तो फेल कर जाता है, अगर लेस देन वन होता है तो ये डिज़ाइन सेफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोहर सर्किल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो मोहर सर्किल जो होता है ना, इक्वेशन ऑफ मोहर सर्किल कुछ इस तरह से होता है, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस टॉ एक्स एक्स डैश वाई डैश माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रूट अंडर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये टोटल का होल स्क्वायर हो जाता है। मोहर सर्किल का सेंटर का बात करें तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू हो जाता है और जीरो हो जाता है। रेडियस का बात करें हाफ रूट अंडर सिग्मा वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर फोर टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का बात है सिग्मा पी वन माइनस सिग्मा पी टू बाई टू हो जाता है, जो कि मोहर साइकिल के रेडियस के इक्वल होता है। मोहर साइकिल ड्रॉ कैसे कहते हैं, तो मोहर साइकिल को ये हो जाता है स्ट्रेस एक्सिस हो जाता है, ये नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस, सॉरी ये शियर स्ट्रेस एक्सिस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस है, ठीक है। और कोई भी प्लेन लेते हैं, ये प्लेन है, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर प्लेन पर यह स्ट्रेस कंडीशन इस तरह से दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट पर स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। अगर इससे थीटा डिग्री एंगल पर ये प्लेन है तो इसको मोहर साइकिल के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो इस पे यहाँ से टू थीटा प्रोसीड करेंगे, यहाँ अगर थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहाँ टू थीटा प्रोसीड करेंगे। ये पॉइंट जो होगा इस ये पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगा इस प्लेन पर जो स्ट्रेस होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को डिनोट करता है, ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये क्या है, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द ओरिजिन सिग्मा पी वन प्लस सिग्मा पी टू बाई टू होता है। सेंटर ऑफ मोहर सर्किल ऑलवेज लाई ऑन द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि
कि मोहर सर्कल का जो सेंटर होता है ऑलवेज एक्सेसिस पर लाई करता है। टॉ मैक्सिमम जो हो जाता है, ये टॉ मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, सर्कल जो होता है सर्कल का रेडियस के इक्वल टॉ मैक्सिमम हो जाएगा। तो सर्कल का रेडियस कितना होता है, ये आपका सर्कल का रेडियस है हाफ रूट अंडर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये टोटल जो चीज़ है स्क्वायर को छोड़ करके ये आपका रेडियस है, इसलिए टॉ मैक्सिमम ये चीज़ हो जाएगा, टॉ मैक्सिमम का ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट मोहर सर्कल का बात कर लेते हैं। तो पॉइंट मोहर सर्कल कब होता है, जब मान लीजिए ये होता है हाइड्रोलिक टेंशन, हाइड्रोस्टैटिक टेंशन, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक टेंशन के केस में आपका क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोस्टैटिक टेंशन के केस में आपका सेंटर जो हो जाएगा सिग्मा एक्स, एक्स दोनों इक्वली होता है तो सिग्मा प्लस सिग्मा बाई टू, तो सिग्मा और ज़ीरो हो जाएगा, ये आपका सेंटर हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस मतलब टॉ मैक्सिमम, और टॉ मैक्सिमम मतलब ये दोनों को डिवाइड कर माइनस करके और टू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका रेडियस जीरो हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लेन इसमें क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट प्रिंसिपल प्लेन होगा। ये केस कौन सा है, हाइड्रोस्टैटिक टेंशन होता है या हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन होता है। मोहर सर्कल फॉर द प्योर सॉलिड कंडीशन, प्योर सॉलिड कंडीशन में क्या होता है, सिग्मा एक्स जीरो होता है, सिग्मा वाई जीरो होता है, टॉ एक्स वाई टॉ होता है। सेंटर का बात करें तो सेंटर कैसे निकलता है, तो क्या करते हैं दोनों को ऐड करके, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई को ऐड करके, सॉरी सेंटर कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई को ऐड करके दो से डिवाइड कर देते हैं, जीरो को ऐड करके दो से डिवाइड कर देते हैं, जीरो ही हो गया और जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंटर का ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, रेडियस टॉ मैक्सिमम, तो टॉ मैक्सिमम इस केस में टॉ ही होता है। तो इस तरह से आपका, इस तरह से जो सर्कल ही हो जाएगा, ये सीयर प्योर सीयर कंडीशन का क्या हो जाएगा, मोहर सर्कल ड्रॉ किया हुआ। साइन कन्वेंशन का बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव मानते हैं, ये पॉजिटिव अपसीसा पे डिनोट करते हैं, कंप्रेसर को नेगेटिव अपसीसा, नेगेटिव और पॉजिटिव अपसीसा, अपसीसा मतलब एक्स एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट होता है उसको अपसीसा बोलते हैं, सॉरी, और नेगेटिव पॉजिटिव सीयर स्ट्रेस पॉजिटिव ऑर्डिनेट पर डिनोट करेंगे, नेगेटिव सीयर स्ट्रेस नेगेटिव ऑर्डिनेट पर डिनोट करेंगे। एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को बेल्ट्रामी एंड हैक्स थ्योरम भी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी जो होता है आपका हाफ सिग्मा पी वन एप्सिलॉन पी वन प्लस हाफ सिग्मा पी टू एप्सिलॉन पी टू प्लस सिग्मा पी थ्री इंटू एप्सिलॉन पी थ्री होता है। ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस रूप में भी लिख सकते, इस तरह से ये देख सकते हैं किस तरह से ये थोड़ा सा लिखा गया है, ठीक है। तो ये स्ट्रेन एनर्जी का आपका थ्योरम, इसको अगर सिग्मा पी थ्री को जीरो पुट कर दिया जाएगा तो ये आपका थ्योरी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस फार्मूला का यूज़ करके आप 2D में डिजाइन कर सकते हैं। ये थ्योरी आपका फेल कर जाता है कब, जब टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेन एनर्जी डिटरमाइंड बाय द सिंपल टेंसाइल टेस्ट, सिंपल टेंसाइल टेस्ट कन्फर्म करते हैं, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आपका मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम फेल कर जाता है। इसको डक्टाइल मटेरियल जैसे सिलेंडर स्फीयर इस तरह चीज़ों को डिजाइन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैक्सिमम सीयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम इसको बोलते हैं वॉन मिसेस क्राइटेरिया फॉर फेल्योर, या इसको इस तरह से बोल सकते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोल सकते हैं। टोटल एनर्जी जो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी होता है और डिस्टॉर्शन एनर्जी होता है, दोनों एनर्जी को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी निकल के आ जाता है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ टू ई सिग्मा पी वन स्क्वायर प्लस सिग्मा पी टू स्क्वायर प्लस सिग्मा पी थ्री स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा पी वन इंटू पी टू प्लस सिग्मा पी थ्री इंटू पी टू इंटू पी थ्री प्लस सिग्मा पी थ्री इंटू पी वन हो जाता है। उसमें से आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी जो हो जाता है वह वन माइनस टू म्यू बाई सिक्स ई सिग्मा पी वन स्क्वायर प्लस सिग्मा पी वन प्लस सिग्मा पी टू प्लस पी थ्री का होल स्क्वायर हो जाता है। ये एक आपका वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी है, ये डिस्टॉर्शन एनर्जी है, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस म्यू बाई सिक्स ई सिग्मा पी वन माइनस पी टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा पी टू माइनस पी थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा पी थ्री माइनस पी वन का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरम हो जाता है। सॉरी, सिग्मा पी थ्री को अगर जीरो पुट कीजिएगा तो डिज़ाइन के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। सिग्मा पी वन स्क्वायर प्लस सिग्मा पी टू स्क्वायर
माइनस सिग्मा पी वन इंटू पी टू इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ये जो थ्योरी होता है मैक्सिमम सी एस स्ट्रेस थ्योरी, ये आपका डक्टाइल मटेरियल और प्योर सीरे कंडीशन के लिए बेस्ट थ्योरी होता है। नेक्स्ट थ्योरी है आपका ऑक्टाइड्रल सी एस स्ट्रेस थ्योरी। ऑक्टाइड्रल सी एस स्ट्रेस थ्योरी जो होता है ना आपका, ये सेकेंड बेस्ट थ्योरी फॉर द प्योर सीयर कंडीशन होता है। प्योर सीयर कंडीशन का डिजाइन के लिए सेकेंड बेस्ट थ्योरी होता है। ऑक्टाइड्रल सी एस स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है 1/3 रूट अंडर सिग्मा पी वन माइनस पी टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा पी टू माइनस पी थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा पी थ्री माइनस पी वन का होल स्क्वायर। मोहर्स थ्योरी होता है, टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट करेंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। किसमें? आपका यूटीएम पर टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। उसके बाद में सिग्मा पी वन और सिग्मा पी टू इस दोनों का रेशियो निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है तो फेल कर जाता है, अगर लेस देन वन होता है तो ये डिज़ाइन सेफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मोहर सर्किल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मोहर सर्किल जो होता है ना, इक्वेशन ऑफ मोहर सर्किल कुछ इस तरह से होता है, सिग्मा एक्स डैस माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस टॉ एक्स एक्स डैस वाई डैस माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रूट अंडर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये टोटल का होल स्क्वायर हो जाता है। मोहर सर्किल का सेंटर का बात करो तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू हो जाता है और जीरो हो जाता है। रेडियस का बात करें हाफ रूट अंडर सिग्मा वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर फोर टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाता है। मैक्सिमम सी एस स्ट्रेस का बात है सिग्मा पी वन माइनस सिग्मा पी टू बाई टू हो जाता है, जो कि मोहर साइकिल के रेडियस के इक्वल होता है। मोहर साइकिल ड्रॉ कैसे करते हैं? तो मोहर साइकिल का ये हो जाता है स्ट्रेस एक्सिस हो जाता है, ये नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस, सॉरी ये सीयर स्ट्रेस एक्सिस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस है। ठीक है, और कोई भी प्लेन लेते हैं, ये प्लेन है, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर प्लेन पर यह स्ट्रेस कंडीशन इस तरह से दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट पर स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, अगर इससे थीटा डिग्री एंगल पर ये प्लेन है तो इसको मोहर साइकिल के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो इस पे यहाँ से टू थीटा प्रोसीड करेंगे। यहाँ अगर थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहाँ टू थीटा प्रोसीड करेंगे। ये पॉइंट जो होगा इस ये पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगा इस प्लेन पर जो स्ट्रेस होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को डिनोट करता है, ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये क्या है, ये मैक्सिमम सी एस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग को करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द ओरिजिन सिग्मा पी वन प्लस सिग्मा पी टू बाई टू होता है। सेंटर ऑफ मोहर सर्किल ऑलवेज लाई ऑन द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि मोहर सर्किल का जो सेंटर होता है ऑलवेज एक्स एक्सिस पर लाई करता है। टॉ मैक्सिमम जो हो जाता है, ये टॉ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आपका सर्कल जो होता है सर्कल का रेडियस के इक्वल टॉ मैक्सिमम हो जाएगा। तो सर्कल का रेडियस कितना होता है, ये आपका सर्कल का रेडियस है हाफ रूट अंडर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये टोटल जो चीज़ है स्क्वायर को छोड़ करके ये आपका रेडियस है, इसलिए टाउ मैक्सिमम ये चीज़ हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम का ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट मोहर साइकिल का बात कर लेते हैं। तो पॉइंट मोहर साइकिल कब होता है, जब मान लीजिए ये होता है हाइड्रोलिक टेंशन हाइड्रोस्टेटिक टेंशन। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक टेंशन के केस में आपका क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोस्टैटिक टेंशन के केस में आपका सेंटर जो हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स दोनों इक्वली होता है तो सिग्मा प्लस सिग्मा बाई टू तो सिग्मा और जीरो हो जाएगा, ये आपका सेंटर हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस मतलब टॉ मैक्सिमा और टॉ मैक्सिमा मतलब ये दोनों को डिवाइड कर माइनस करके और टू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका रेडियस जीरो हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लेन इसमें क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन होगा। ये केस कौन सा है, हाइड्रोस्टैटिक टेंशन होता है या हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन होता है। मोहर साइकिल फॉर द प्योर सीयर कंडीशन, प्योर सीयर कंडीशन में क्या होता है, सिग्मा एक्स जीरो होता है, सिग्मा वाई जीरो होता है, टॉ एक्स वाई टॉ होता है। सेंटर का बात करें तो सेंटर कैसे निकलता है, तो क्या करते हैं दोनों को ऐड करके सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई को ऐड करके, सॉरी सेंटर कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई को ऐड करके दो से डिवाइड कर देते हैं, जीरो को ऐड करके दो से डिवाइड करते हैं जीरो ही हो गया, जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंटर का ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। रेडियस टॉ मैक्सिमम, तो टॉ मैक्सिमम इस केस में टॉ ही होता है। तो इस तरह से आपका
इस तरह से जो सर्कल ही हो जाएगा, ये सीयर प्योर सीयर कंडीशन का क्या हो जाएगा, मोहर सर्कल ड्रॉ किया हुआ। साइन कन्वेंशन की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस को, टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव मानते हैं, ये पॉजिटिव अपसीसा पे डिनोट करते हैं, कंप्रेसर को नेगेटिव अपसीसा, नेगेटिव और पॉजिटिव अपसीसा, अपसीसा मतलब एक्स एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट होता है उसको अपसीसा बोलते हैं, सॉरी। और नेगेटिव पॉजिटिव सीयर स्ट्रेस पॉजिटिव ऑर्डिनेट पे डिनोट करेंगे, नेगेटिव सीयर स्ट्रेस नेगेटिव ऑर्डिनेट पे डिनोट करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से फेल करता है, ब्रिटल मटेरियल जो होता है ये फेल बाय द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से फेल करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल को डक्टाइल में कन्वर्ट कर देता है, फॉर्मेबिलिटी जो होता है माइल्ड स्टील का एल्युमिनियम से ज़्यादा अच्छा होता है, बोसिंजर इफेक्ट जो होता है, बोसिंजर इफेक्ट के कारण जो होता है ना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेंशन में और कंप्रेशन में दोनों अलग अलग हो जाता है, बोसिंजर इफेक्ट के कारण ये होता है, ये स्ट्रेस इनहोमोजेनिटी हो जाता है, बोसिंजर इफेक्ट के कारण क्या होता है स्ट्रेस इनहोमोजेनिटी हो जाता है। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो होता है, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज लेस देन 5%, ब्रिटल मटेरियल में पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से कम होता है। हॉफमैन्स इक्वेशन जो है ये होता है हॉफमैन्स इक्वेशन आपका, ठीक है, हॉफमैन इक्वेशन जो होता है ना ये अप्लीकेबल होता है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग के केस में, और जो कर्व होता है जो नॉन लीनियर कर्व होता है उसके लिए अप्लीकेबल होता है। ये किस कब अप्लीकेबल है, ये यील्ड लिमिट के बियॉन्ड क्या होता है आपका अप्लीकेबल होता है, आफ्टर यील्ड प्लेटू यील्ड लेवल के बियॉन्ड ये अप्लीकेबल होता है जो कि नॉन लीनियर केस होता है। प्लस पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो होता है 5% से ज़्यादा आता है किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए, टेम्परेचर बढ़ता है डक्टिलिटी बढ़ता है, हाई स्ट्रेन रेट अगर करेंगे तो डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल में फेल कर जाता है, इसी के लिए किसी वायर को बार बार अप एंड डाउन मतलब बहुत बार उसको क्या करते हैं बहुत हाई रेट से क्या करते हैं तोड़ना होता है तो क्या करते हैं उसमें स्ट्रेन करते हैं, तो क्या करते हैं हाई रेट स्ट्रेन करते हैं तो टू ब्रिटल फेलियर हो जाता है, उसमें एक ही बार टूट जाता है। ब्रिटलनेस क्या होता है, एक ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है मटेरियल का, क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर प्रेशर और लोडिंग पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होता है पी बटा ए इनिशियल होता है, मतलब जितना फोर्स अप्लाई किए हैं और इनिशियल कितना उसमें का क्रॉस सेक्शन एरिया था। ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, जितना फोर्स अप्लाई किए हैं और एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया, एक्चुअली जब किसी मटेरियल को क्या करते हैं स्ट्रेस करते हैं तो क्या होता है उस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाता है, जब एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे तो ट्रू स्ट्रेस निकलता है, और ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस अलग चीज़ होता है, ट्रू स्ट्रेस का वैल्यू इंजीनियरिंग स्ट्रेस का वैल्यू दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन जनरली हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लोअर यील्ड प्लेटू क्या होता है, तो एक्चुअल यील्ड प्लेटू, लोअर यील्ड प्लेटू क्या बोलते हैं, एक्चुअल यील्ड प्लेटू बोलते हैं। अपर यील्ड प्लेटू जो होता है ना रेट ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करता है। क्वार्टरल एटमॉस्फेयर इफेक्ट, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर इफेक्ट के कारण होता है क्या होता है डिफरेंस इन अपर यील्ड लिमिट एंड लोअर यील्ड लिमिट, सॉरी क्वार्टरल इफेक्ट के कारण ही होता है आपका जो अपर यील्ड लिमिट और लोअर यील्ड लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो किसके कारण होता है, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर इफेक्ट के कारण होता है, और ये जो डिफरेंसेज होता है वो किसके कारण होता है, तो डिफरेंसेज इन द अपर यील्ड लिमिट एंड द लोअर यील्ड लिमिट इज ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का स्लिपेज होता है जिसके कारण आपका क्या होता है अपर यील्ड लिमिट और लोअर यील्ड लिमिट दोनों क्या होता है अलग अलग होता है। सिमेट्रिसिटी ऑफ स्ट्रेस इज फाउंड बाय द मोमेंट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स जो होता है ये क्या है स्ट्रेस सिमेट्री को डिनोट करता है, और ये स्ट्रेस सिमेट्री किस तरह से फाउंड करते हैं तो मोमेंट इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपका कंपोजिट सेक्शन है, कंपोजिट सेक्शन में जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा सेम होगा, तो डिफ्लेक्शन सेम होगा तो पी वन अगर ये वन मटेरियल है ये टू मटेरियल है, सॉरी एक मिनट, ये वन मटेरियल है ये टू मटेरियल है, तो वन में जो फोर्स होगा पी वन इज इक्वल टू पी इंटू ई वन ए वन बटा ई वन ए वन प्लस ई टू ए टू हो जाता है। सेकेंड में जो फोर्स होगा पी इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू पी ई टू ए टू बटा पी वन ई वन प्लस पी टू ई टू ई टू ई टू, ठीक है। अगर इसको इक्विवेलेंट सेक्शन बना करके अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ई इक्विवेलेंट का फार्मूला ही हो जाएगा ई वन ए वन प्लस ई टू ए टू बाई ए वन प्लस ए टू,
और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे तो आप इक्विवेलेंट सेक्शन बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सडनली अगर किसी भी चीज़ पर अप्लाइड करते हैं लोड तो उसका जो स्ट्रेस हो जाता है जस्ट स्टैटिक के डबल हो जाता है, और जो डिफ्लेक्शन होता है स्टैटिक के जस्ट डबल हो जाता है। अगर किसी चीज़ पर इम्पैक्ट लोड लगाते हैं तो उस केस में इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है ना, उस केस में जो डिफ्लेक्शन होता है या स्ट्रेस होता है वह स्टैटिक से ज़्यादा होता है। तो स्टैटिक्स में अगर इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सडनली मतलब इम्पैक्ट लोडिंग के कारण स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला होता है इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू होता है रूट अंडर 1+2H/डेल्टा स्टैटिक। इस फैक्टर का यूज़ करके आप स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल दे सकते हैं इन द केस ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग। अगर 3D के का केस है, 3D के केस में आप 9 स्ट्रेस अगर यूज़ करते हैं तो क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 6 स्ट्रेस जो होता है ना वो रिक्वायर्ड होता है किसी भी स्ट्रेस का जो मैट्रिक्सेज बनता है उसको डिफाइन करने के लिए। अगर किसी भी मटेरियल का म्यू इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, आइडियल प्लास्टिक बॉडी होता है, या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहिए उसको, या आइडियल प्लास्टिक बॉडी किसका होता है, ग्लास और कॉर्क का होता है। अगर किसी भी किसी का म्यू मतलब ये जो म्यू होता है, म्यू का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है, ठीक है, म्यू का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो वॉल्यूम चेंज, उस केस में आपका वॉल्यूम चेंज होगा। कंट्रैक्शन रेशियो, कंट्रैक्शन रेशियो किसका नाम होता है, म्यू का ही नाम होता है, जब ये नॉन प्लास्टिक रीजन में जाएगा तो उस केस में जो म्यू निकालेंगे वो म्यू क्या होता है, कंट्रैक्शन रेशियो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शियर फोर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के टर्म में तो ये लोडिंग का माइनस देता है, और बेंडिंग मोमेंट का डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के टर्म में तो शियर फोर्स लगता है। ये क्या है, लोडिंग का कंडीशन है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, और बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स का जो किस तरह से डायग्राम होगा वो दिया हुआ है। तो अगर लोड नहीं होता है तो शियर फोर्स स्ट्रेट लाइन होता है और बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइन होता है। UDL होगा, शियर फोर्स इंक्लाइन होगा, बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक हो गया। UVL होगा तो पैराबोलिक शेप हो जाएगा शियर फोर्स का, और क्यूबिक बेंडिंग मोमेंट का हो गया। स्ट्रेस इनवेरिएंट, स्ट्रेस इनवेरिएंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर अगर स्ट्रेस जो है और दूसरे पॉइंट पर जो स्ट्रेस है, यहाँ के तीनों डायरेक्शन क्या अगर स्ट्रेस ऐड करेंगे तो यहाँ के तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर दो ही डायरेक्शन सिग्मा एक्स इज प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश, अगर तीनों डायरेक्शन को ले लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर सी एस टेक्स मैक्सिमम प्लेन का बात करें तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन का बाइसेक्टर होता है, मतलब 45 डिग्री एंगल पर ये इंक्लाइन होगा। टॉम मैक्सिमम प्लेन पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रेस जो होता है, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री बाय थ्री हो जाता है। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्टाहेड्रल नॉर्मल स्ट्रेस निकाल जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ द फेल्योर, थ्योरी ऑफ फेल्योर का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का जो होता है ये रेक्टेंगल होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी का कुछ इस तरह से होता है, सी एस स्ट्रेस का कुछ इस तरह से होता है, स्ट्रेन एनर्जी का कुछ इस तरह से होता है। इसका मतलब इसके विद इन अगर डिजाइन होता है तो क्या होता है, ये सेफ होता है, अगर इसके आउटसाइड होगा तो क्या हो जाएगा, मटेरियल फेल कर जाएगा। ठीक है, प्योर शियर कंडीशन में, प्योर शियर कंडीशन को डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी से डिजाइन करते हैं तो उस केस में टॉम मैक्सिमम बाई सिग्मा वाई का वैल्यू क्या होता है, और वो सेफ होता है या नहीं सेफ होता है, ये सारा चीज़ इस टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, प्योर शियर कंडीशन को अगर रनकाइन थ्योरी से डिजाइन करते हैं तो टॉम मैक्सिमम डिवाइडेड बाई टॉम वाई का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1 होता है, जो कि अनसेफ हो जाएगा, इस केस में अनसेफ हो जाएगा। साइंथ वेदांत थ्योरी से अगर डिजाइन कीजिएगा तो ये वैल्यू इतना होता है, ये अनसेफ हो जाएगा। शियर स्ट्रेस थ्योरी से इस तरह से ये ओवरसेफ हो जाएगा, शियर स्ट्रेस थ्योरी के केस में ओवरसेफ हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के केस में एक्यूरेट होता है, डिस्टोर्शन के केस में भी एक्यूरेट होता है, ऑक्टाहेड्रल के केस में भी एक्यूरेट होता है, लेकिन टॉ मैक्सिमम बाई टॉ वाई का वैल्यू तीनों का अलग अलग है, ये 0.62 हो जाएगा, ये 0.577 हो जाता है, ये 0.471 हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें कोई भी डायमेंशनल चेंज नहीं होता है, मतलब लेंथ में चेंज में नहीं होता है,
बेंडिंग स्ट्रेंथ का बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा क्या होता है, आई सेक्शन का होता है, उसके बाद रेक्टेंगल का, उसके स्क्वायर का, सबसे कम होता है सर्कुलर का। आई सेक्शन का सबसे ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस होता है क्योंकि इसका जेड का वैल्यू क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है आई सेक्शन के केस में। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ की बात करें, शियर स्ट्रेंथ सर्कुलर का सबसे ज़्यादा होता है और आई सेक्शन का सबसे कम होता है, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। कंपोजिट सेक्शन या तो रिगुलरली फिक्स हो सकता है या फ्रीली फिक्स हो जाता है, या इस तरह से कर सकते हैं फ्लेंज भी, फ्लेंज का भी केस हो सकता है। तो अगर रिगुलरली फिक्स होता है तो मोमेंट जो होता है दोनों ऐड हो जाता है और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हो जाता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। न्यूट्रल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम हो जाता है। फ्रीली कनेक्ट होता है तो उस केस में भी क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट दोनों का ऐड हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम होता है, न्यूट्रल एक्सिस दोनों का अलग अलग होता है। बेंडिंग मोमेंट m1 वन इक्वल टू होता है एम ई वन आई वन बटा ई वन प्लस ई वन इंटू सॉरी ई वन इंटू आई वन प्लस ई टू इंटू आई टू। बेंडिंग मोमेंट सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट टू इस तरह से इसके सिमिलर इस तरह को इसको डिफाइन कर सकते डिराइव कर सकते हैं। सॉरी सिग्मा वन बाई सिग्मा टू जो होता है ई वन बाई ई टू और वाई वन बाई आई टू वाई टू हो जाता है। तो यहाँ से जो जंक्शन होता है उस जंक्शन पे क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रेस निकाल सकते हैं। फ्लेंज बीम क्या होता है, फ्लेंज बीम में बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है, सिंपली ऐड कर लेंगे तो फ्लेंज बीम का बेंडिंग मोमेंट निकल के आ जाएगा। टॉप बॉटम फ्लेंज जो होता है जनरली स्ट्रांगर होता है आपका साइड फ्लेंज से। अगर साइड फ्लेंजिंग कर रहे हैं या टॉप बॉटम फ्लेंज कर रहे हैं तो टॉप बॉटम फ्लेंज और साइड फ्लेंज, मतलब टॉप बॉटम फ्लेंजिंग ज़्यादा स्ट्रांगर होता है इन कंपेरिजन टू साइड फ्लेंजिंग। सी एस स्ट्रेस का बात करते हैं, सी एस स्ट्रेस जो होता है, सी एस स्ट्रेस का कितना होता है, सी एस स्ट्रेस इक्वल टू वी क्यू अपॉन आई टी होता है। क्यू जो होता है ना, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होता है अबव द पॉइंट होता है। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यू क्या होता है। ठीक है, सी एल फ्लो में आप लोग देख रहे हैं कि सी एल फ्लो में क्या है, सी एल फ्लो में क्यू के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं तो किस तरह से आप क्यू निकाल सकते हैं। ये जो फार्मूला होता है ये नैरो सेक्शन के लिए वैलिड होता है, क्योंकि जो ये फार्मूला होता है इसमें क्या करते हैं, सी एस स्ट्रेस को कांस्टेंट अलोंग द विड्थ कंसीडर करते हैं, जो कि नैरो सेक्शन के लिए वैलिड होता है। ये बेंडिंग, सिर्फ बेंडिंग होना चाहिए तब भी ये फार्मूला वैलिड, अगर ट्विस्टिंग होता है तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। ट्विस्टिंग के केस में फार्मूला वैलिड नहीं होगा। रेक्टेंगल अगर कोई क्रॉस सेक्शन है तो सी एस स्ट्रेस इक्वल टू सिक्स भी टी डी क्यू डी स्क्वायर बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। उस केस में सीरियस स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा 3/2 टॉप एवरेज, टॉप एवरेज का 3/2 हो जाता है। टॉप एवरेज इक्वल टू कितना होता है, वी इक्वल टू टी डी वी बाई टी डी। टॉप एवरेज जो होता है ना ये अकड़ करता है वाई इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई टू रूट थ्री पे अकड़ करता है। सीरियस स्ट्रेस 12 भी बी एच क्यू एच वाई माइनस वाई स्क्वायर होता है। ये रेक्टेंगुलर सॉरी ट्रेंगुलर सेक्शन होगा तो उस केस में सी एस स्ट्रेस इस तरह से होता है, मैक्सिमम 3/2 टॉ एवरेज होता है। किस सेक्शन पे अकड़ करता है, वाई इज इक्वल टू एच बाई टू अकड़ करता है। न्यूट्रल एक्सिस पे ट्रेंगुलर केस में सी एस स्ट्रेस कितना होता है, 3/4 नहीं होगा, ये 4/3 होगा, 4/3 एक्चुअली ये 4/3 टॉ एवरेज होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस पे कितना हो जाएगा, 4/3 टॉ एवरेज हो जाएगा। ये मैक्सिमम जो होता है ना, ये मैक्सिमम जो होता है ये सर्कुलर के केस में 4/3 टॉ एवरेज होता है ना, ये सेम फार्मूला आपका न्यूट्रल एक्सिस के केस में ट्रायंगुलर के केस में होता है। टॉप मैक्सिमम जो होता है डायमंड के केस में 8/9 टॉ एवरेज हो जाता है। शियर स्ट्रेसेस जो होता है ना वेव पार्ट 80-85% रेजिस्ट करते हैं, वेव पार्ट 80-85% शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करते हैं, और फ्लेंज पार्ट जो होते हैं 80-85% बेंडिंग स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टोर्सन। तो जो बीम का अगर लेंथ चेंज करता है तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका चेंज करेगा, लेकिन शियर एंगल आपका सेम रहेगा। रेडियस जब चेंज करता है तो थीटा आपका कांस्टेंट रहेगा, फाई चेंज करेगा। सीरीज के कनेक्शन में टॉर्क सेम होता है, थीटा डिफरेंट होता है। पैरेलल कनेक्शन में थीटा सेम होता है, टोर्सन डिफरेंट होता है। ठीक है, और टोर्सन कितना होता है, टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू हो जाता है। अगर कोई आपके पास पाइप है तो उस पाइप के केस में या ट्यूब के केस में जो टॉ मैक्सिमम होता है, टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, 16 t π/2 q 1 - k^4। ये क्या हो जाता है, के जो होता है स्मॉल डी बाई कैपिटल डी हो जाता है। डी क्या होता है, इंटरनल डायमीटर, और कैपिटल डी क्या होता है, एक्सटर्नल डायमीटर होता है।
जंक्शन पे कोई भी अगर दो शाफ्ट को कनेक्ट किए हुए हैं तो जंक्शन पे टॉ वन बाई टॉ टू इज इक्वल टू हो जाता है जी वन बाई जी टू। ठीक है, तो ये टॉ जो होता है, ठीक है, सी एस टेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर मॉडुलस हो जाता है। स्ट्रेन एनर्जी इन शाफ्ट, शाफ्ट में जो है स्ट्रेन एनर्जी होता है ये स्ट्रिप के लिए टॉ स्क्वायर अपॉन टू जी हो जाता है, टॉ स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉम्पोनेंट। ये फार्मूला सिर्फ स्ट्रिप के लिए वैलिड होता है। स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर एल अपॉन टू जी। और स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला ये भी हो जाता है, टॉ मैक्सिमम का होल स्क्वायर अपॉन फोर जी इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। अगर ट्यूब है तो ट्यूब है उस केस में टॉ मैक्सिमम का होल स्क्वायर अपॉन फोर जी डी आउटर का होल स्क्वायर प्लस ट्यूब इनर का स्क्वायर बाई डी आउटर का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। दिस विल गिव्स द स्ट्रेन एनर्जी इन द केस ऑफ ट्यूब। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका शियर स्ट्रेस इन द ट्यूबुलर सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन में शियर स्ट्रेस को क्या मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। तो शियर स्ट्रेस किस तरह से निकाल लेंगे, तो शियर स्ट्रेस इंटू थिकनेस इज इक्वल टू टी बाई टू, टी बाई टू इंटू एवरेज मीन एरिया। मीन एरिया मतलब क्या, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर को एवरेज करके और उसके अकॉर्डिंग जब एरिया निकालेंगे तो मीन एरिया निकल के आ जाएगा। इस केस इसको ये क्या होता है, ये शियर फ्लो का इक्वल होता है। टॉ वन टी वन इज इक्वल टू टॉ टू टी टू होता है, ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी जो होता है ट्यूबुलर सेक्शन में क्या होता है आपका, टी स्क्वायर एल अपॉन एट ए मीन, ए मीन का होल स्क्वायर जी समेसन डी एस अपॉन टी। डी एस क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए डी एस ये पोर्शन होता है, डी एस एक ट्यूबुलर सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हुआ है, तो ये डी एस जो होता है ना ये पोर्शन होता है। और डी वन क्या है, ये डी वन जो है ना, सॉरी, ये जो आपका ये आउटर डायमीटर है ये आपका इनर डायमीटर है। ठीक है, तो एंगल, एंगल इस केस में एंगल ऑफ जो एंगल निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टी एल अपॉन फोर ए मीन का होल स्क्वायर जी समेशन ऑफ डी एस अपॉन टी। तो इस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं किस ट्यूबुलर सेक्शन का। बेंडिंग मोमेंट किसी भी क्रॉस सेक्शन पर किसी भी बीम में अगर बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है, एम बेंडिंग मोमेंट इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू होता है हाफ एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट जो होता है ना एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का रूट अंडर हो जाता है। अगर किसी भी सेक्शन पर स्टैटिक लोड हो रहा था तो यील्ड स्ट्रेंथ से वो यील्ड स्ट्रेंथ वहाँ पर काम करेगा मतलब, और अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन पर वेरिएबल लोड लगता है, ठीक है, तो उस केस में इंड्योरेंस लिमिट वहाँ पे वर्क करेगा, इंड्योरेंस लिमिट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे या फैटिक लिमिट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। लेकिन जो इंड्योरेंस लिमिट या फैटिक लिमिट जो होता है ना ये किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। एसएन डायग्राम जो होते हैं, एसएन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एस मतलब स्ट्रेस और एन मतलब नंबर, नंबर नंबर ऑफ लोड अप्लाइड। ठीक है, तो ये क्या है एसएन डायग्राम होता है, उस केस में क्या होता है इंड्योरेंस लिमिट हम निकालते हैं, एसएन डायग्राम का यूज़ करके इंड्योरेंस लिमिट हम यूज़ निकालते हैं। इंड्योरेंस लिमिट जो होता है ना ये पॉलिश्ड सरफेस के लिए ज़्यादा होता है और रफ सरफेस के लिए ये कम होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्प्रिंग। तो हेलिकल स्प्रिंग जो होता है, हेलिकल स्प्रिंग के केस में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम जो होता है वो 16 पी आर बाई पाई डी क्यू 1 प्लस डी बाई फोर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाता है। और स्प्रिंग के केस में आपका आर देख लीजिए क्या, यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये आर है आपका, ये टोटल डायमीटर है। ठीक है, ये डायमीटर है, ये जो वायर जिस वायर से ये बना हुआ है स्प्रिंग, इस वायर का डायमीटर को स्मॉल डी मान लेते हैं और पी फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो स्ट्रेन एनर्जी होता है 32 पी स्क्वायर आर क्यू एन अपॉन जी डी टू द पावर 4 हो जाता है। डिफ्लेक्शन हो जाता है 64 पी आर के पावर क्यू एन डिवाइडेड बाई जी डी टू द पावर 4 हो जाता है। के का वैल्यू निकालिएगा, स्टिफनेस का वैल्यू निकालिएगा, तो जी डी टू पावर 4 64 आर क्यू एन हो जाता है। और इस एक होता है हेलिकल एंगल। तो हेलिकल एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे ये इस तरह का सर्कल होगा कुछ इस तरह का, ठीक है, इस पूरे का लेंथ निकालेंगे तो पूरे का लेंथ कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पूरे का लेंथ आ जाएगा और उसका पीच निकालेंगे मतलब दो
दो वायर के बीच में, और इसके इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, पीच बोलते हैं। तो यहाँ पे पीच आ जाएगा और पूरे वायर का लेंथ आ जाएगा, एक कॉइल का लेंथ हो जाएगा, यहाँ पे पीच हो जाएगा। और इसके बाद ये जो फाई एंगल बनेगा यही आपका क्या हो जाता है, हेलिक्स एंगल हो जाता है। स्प्रिंग इंडेक्स का बात करें तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो जाता है। तो कैपिटल डी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है, स्मॉल डी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑक्टाहेड्रल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन से इक्वली इंक्लाइन होते हैं। ऑक्टाहेड्रल प्लेन का नंबर जो होता है 8 होता है। किसी भी रोप को अगर व्हेन ए रोप इज लोडेड अलोंग इट्स लेंथ विद ए यूडीएल, किसी रोप को यूडीएल उसके लेंथ के अकॉर्डिंग यूडीएल से लोड करते हैं, देन मिनिमम टेंशन विल एट द लोएस्ट पॉइंट। मिनिमम टेंशन उसका किस पॉइंट पर होता है, लोएस्ट पॉइंट पर होता है। एंड इट इज लोडेड विद द पॉइंट्स लोड्स व्हेन टेक द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट of the simply supported beam with the same loading। मतलब अगर इसको लोड करते हैं किसी पॉइंट्स लोड से, तो उस केस में इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, जब सेम लोडिंग को किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर लगाएंगे और उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा उसी डायग्राम के शेप में इस रोप का शेप हो जाएगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो शेप होगा दैट विल रिजेंबल द शेप ऑफ द रोप। क्रीप क्या होता है, तो क्रीप अकर्स ड्यू टू डेड लोड वनली। क्रीप जो होता है सिर्फ डेड लोड के कारण होता है, लाइव लोड या अदर लोड के कारण आपका क्रीप नहीं होता है। थिन सिलेंडर का बात करें तो थिन सिलेंड्रिकल वेसल में स्फेरिकल इंड अगर लगाते हैं, किसी भी थिन सिलेंड्रिकल वेसल में स्फेरिकल इंड लगाते हैं, तो स्ट्रेस इक्वल स्ट्रेस का कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो थिकनेस ऑफ सिलेंडर बाय थिकनेस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 हो जाता है। और स्ट्रेन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो थिकनेस ऑफ सिलेंडर बाय थिकनेस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हो जाता है 2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 बाय म्यू।